हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एल अनर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो वी हैव एडेड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल कंसीडर 6 + 2। वी स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड गो 2 स्टेप्स टू द राइट साइड। तो वी रीच एट 8। सो 6 + 2 = 8 फिगर में दिखा रहा है। वी ऑल्सो सो दैट टू एड 6 and -2 ऑन अ नंबर लाइन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड देन मूव 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 6। सो वी रीच एट 4। सो वी हैव 6 - 2 = 4। ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे। इसके बाद दस वी फाइंड दैट टू अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टुवर्ड्स द राइट ऑन द नंबर ऑन अ नंबर लाइन एंड फॉर एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर को जब हमें ऐड करना है होता है तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं, और यदि एक नेगेटिव इंटीजर को हमें माइनस करना होता है तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है तो राइट की तरफ, और पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट वाइल यूजिंग अ नंबर लाइन ऑन अ होल नंबर फॉर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 6। तो वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है 6 में से 2 को तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो व्हाट, तो 6 - 2 = 4। तो व्हाट विल वी डू फॉर 6 - 2 - 2। वुड वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन और टुवर्ड्स द राइट। जब हमें ऐड करना था तब तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते थे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना होता था दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को तो लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। अब यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है, लेकिन वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इफ वी मूव टू द लेफ्ट देन वी रीच 4। यदि हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचे, क्योंकि ये माइनस का है ना। 6 से यदि हम, जैसे ये 6 है, 6 से हम 2 मूव करते हैं तो कितने पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन माइनस के 2 हैं और यहाँ से यदि मूव किया 1 2 तो हम कहाँ आ गए, 4 पे आ गए, है ना। देन वी हैव टू से 6 - 2 = 4। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वी नो 6 - 2 = 4 एंड 6 - 2 = 6 - -2। तो ये ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट की तरफ मूव करेंगे। तो 6 - -2 दोनों माइनस के है ना, तो इंटीजर भी माइनस का और हमें करना है माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 8। दिस ऑल्सो मीन्स दैट वेन वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर। तो हम क्या करते हैं कि जब एक नेगेटिव इंटीजर को माइनस करते हैं ना तो हमको एक बड़ा इंटीजर मिल जाता है। तो कंसीडर इट इन अनदर वे, इसको एक अलग तरीके से भी कंसीडर करना है। कैसे, कि वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 = +2। तो यदि एडिटिव इनवर्स की बात करें तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +2 है। दस इट अपीयर्स दैट एडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 to 6 इन द सेम एज सब्ट्रैक्टिंग -2 from 6। तो ये वैसे ही होगा जैसे -2 + 6 के साथ होगा, वैसे ही -2 + 6 के साथ होगा। तो वी राइट 6 - -2 और 6 + 2। यानी कि ये जो बाहर का माइनस और अंदर का माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो लेट अस नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 - -5। तो यूजिंग अ नंबर लाइन तो वी कैन से दैट दिस इज द सेम एज -5 + 4। तो एज एडिटिव इनवर्स -4 + 4। तो वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑन द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम -5। तो 1 से स्टार्ट करते हुए -5 तक हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे।
ठीक है, वी रीच एट माइनस वन, माइनस फाइव प्लस फोर इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस फाइव से प्लस फोर की तरफ और ये मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ तो हमें माइनस का वन मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, राइट की तरफ मूव करना है क्योंकि इसमें प्लस का साइन है ना, जहाँ प्लस होता है वहाँ राइट मूव करना होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ लेफ्ट मूव करना है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए राइट मूव करेंगे तो वन पे आ जाएंगे। दस माइनस फाइव प्लस, सॉरी माइनस माइनस फाइव, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या होगा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस फाइव प्लस फोर, तो ये नंबर बड़ा है तो हमें माइनस का वन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस एट माइनस माइनस टेन यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस टेन, एज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टेन इज टेन। ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम माइनस एट वी विल मूव टेन स्टेप टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ हम टेन स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो कहाँ पहुंचे हम प्लस टू पे पहुंचे। तो वी रीच एट टू, दस माइनस एट माइनस प्लस टेन, तो कितने पे पहुंचे टू पे पहुंचे। तो हेंस टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इट इज इनफ टू एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इट इज इनफ टू एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सब्ट्रैक्ट माइनस फोर फ्रॉम माइनस टेन। तो माइनस टेन माइनस माइनस फोर, तो ये दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स की तरह, ठीक है। तो माइनस टेन प्लस फोर, तो माइनस का सिक्स आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होंगी, ठीक है। समझ ना आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नाइन क्या है कि सब्ट्रैक्ट प्लस थ्री फ्रॉम माइनस थ्री, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में क्या था माइनस थ्री था प्लस थ्री था तो जीरो मिल जाता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो जो इंटीजर है वो बढ़ जाएगा। तो माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री, माइनस का सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.3 इसको भी खत्म कर लेते हैं। फाइंड 35 माइनस 20, ये प्लस का है ये माइनस का, हमको करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, लेकिन ये तो दोनों ही प्लस के हैं। तो यदि हम इस 35 को तोड़ लें, 35 माइनस 20 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 15 माइनस 20 है, माइनस के 20 नहीं है तो सारे चला गया। 15 प्लस 20 माइनस 20, तो ये प्लस के 20 और माइनस के 20 हो जाएंगे जीरो, ठीक है। ऐसे काटना नहीं है लेकिन घटाएं यदि प्लस के 20 से माइनस के 20 को तो जीरो हो जाएगा। तो 15 प्लस जीरो, 15 प्लस जीरो कितना होगा, 15 ही होगा है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है माइनस, सॉरी प्लस के 72 हैं और ये भी प्लस के हैं, तो फिर से 72 माइनस 90, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 72 माइनस, ये प्लस के हैं 72 प्लस कितने 18, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ये प्लस के 17, यहाँ माइनस के 17 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 18 है ना, तो 18 हमें आंसर मिल जाएगा। फिर इसी तरह से सी का माइनस 15 माइनस माइनस 18, तो यहाँ माइनस माइनस 18 है
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 15 प्लस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 15, ये माइनस के 15 है, ये प्लस के 15 है, और प्लस 3। तो ये प्लस के और ये माइनस के दोनों हमने काट दिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। माइनस थर्टीन, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस 20 माइनस 13, तो हम जानते हैं इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 13। अब ये बड़ा साइन है, होंगे तो दोनों ऐड, क्योंकि यहाँ प्लस था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ माइनस था, तो जब माइनस और प्लस मिलते हैं तो प्लस बन जाता है। 20 और 30 हो जाएगा 33, लेकिन चूंकि ये बड़ा साइन था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 33। ठीक है, तो ये माइनस के 33 हो जाएंगे। फिर एक और बचा, एक नहीं भी दो हैं, ई और एफ। तो ये 23 माइनस माइनस 12, तो यहाँ भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 23 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 3 और 2 5 और 1 और 2 3। लेकिन ये दोनों क्या है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का है बड़ा वाला, तो ये प्लस के ही 35 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 35 प्लस के आ जाएंगे। और फिर है F, F में क्या है, माइनस 32 माइनस माइनस 40, तो ये माइनस के, इसमें ये प्लस के थे, ये इसमें माइनस के हैं दोनों, तो माइनस 32 माइनस माइनस प्लस प्लस 40। तो अब ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का नहीं 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है तो साइन प्लस का लेगा, इसलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये छोटा बड़ा साइन है और इक्वल साइन के साथ, कि ये जो माइनस 3 प्लस माइनस 6 और माइनस 3 माइनस माइनस 6 इक्वल है क्या, तो ये या फिर छोटे हैं या फिर बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, करके देख लेंगे ना, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ही अंदाजा लगाने से ना प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो माइनस 3 प्लस माइनस 6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 3 है प्लस ये माइनस का 6 है, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस का ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 6, और प्लस और माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसमें क्या है, माइनस 3 माइनस माइनस 6, तो यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3 प्लस 6, लेकिन ये माइनस का है, तो 6 में से 3 माइनस का, तो कितना आया, यहाँ 3 आएगा। तो दोनों में समान इक्वल तो नहीं है, 9 बड़ा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 बड़ा है 3 से, यानी यहाँ पे ये साइन आएगा, ये वाला है ना। चलिए,
माइनस का नाइन था ना, क्योंकि ये माइनस के थ्री थे, ये भी माइनस के थ्री थे, ये माइनस का नाइन था, माइनस का नाइन है फिर तो ये छोटा हो जाएगा, साइन ही बदल जाएगा, तो माइनस का नाइन है तो ये थ्री बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से करना, अगर चीज समझ ना आ रही हो तो दोबारा से समझ लेना, करके देख लेना। तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि प्लस माइनस साइन क्या क्या समझ में नहीं आ रहा होता ना, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। फिर क्या है, माइनस 21 माइनस माइनस 10 सॉल्व करके देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व ही कर लेते हैं। अब इसको यदि सॉल्व करें कि माइनस 21 माइनस माइनस 10, तो वही तरीका सिंपल सा, वही आसान है। ये माइनस के 21 है ना, और हमें माइनस करना है माइनस 10 से। तो ये माइनस के 21 से यदि हम एक क्या निकाल दें, 10 निकाल दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये ऊपर से करते, यहाँ थोड़ा जगह कम है, अभी डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज तो कुछ है नहीं, ये चार क्वेश्चन है बस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे चार क्वेश्चन, और फिर इसकी समरी है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तब तक फिर हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रैक्शन वो स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है उतना खुद से करके देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।